Warm welcome to all my viewers. I'm Surendra Kumar and I will welcome to my all viewers on my YouTube channel Just Do It For A Bright Future. Today I'm making one new and interesting session for my all viewers. This is a very funny story or a play. The name of the play is The King Who Is Lamped. वो राजा जेड़ा कि लंगड़ा वा जेड़ा कि रिटर्न किया गया वा मोनिका थ्रॉन्स ने सप्लीमेंट्री ऑफ क्लास 9th इंग्लिश का सब तो वधिया इंपॉर्टेंट चैप्टर आ तो ये मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने वो भी डिस्कस किए ने नाल दी नाल इहदे विच क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं तो तुसीं ये पूरी वीडियो टिल एंड तक जरूर देखनी है. स्टार्ट करते हैं सैशन. सैशन के जो करैक्टर्स ने वो भी मैं बंडे हुए हैं. देखो फस्ट हैगा किंग एंड दैन प्राइम मिनिस्टर्स चांसलर कॉटियर्स टू लेडीज टू नेबर्स टू हॉलियर्स अ पेज अ डॉग. ये सारे जो करैक्टर्स ने इस प्ले दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो उन्होंने बारे असी जानते हैं. देखो स्टोरी स्टार्ट होती है एक परसनस तो एक राजा वा जिहड़ा कि फस्ट टाइम राजा बनया हुंदा वा तो जिहड़े नाल दे उहदे जिहड़े जिवें कह लो मिनिस्टर्स ने ते उहदे होर भी जिहड़े इंपॉर्टेंट परसन ने उह उड़ीक कर रहे हुंदे उसकी भी उह कदों आवेगा. बट ईवन तुसीं जाणदे हो भी जिहड़े परसनस हुंदे आ ज़्यादातर जिहड़े मिनिस्टर्स हुंदे आ जां कॉटियर्स हुंदे आ उह सारे काफ़ी ज़्यादा जैलस फील करते हैं एक दूसरे तो यही चीज़ इतने भी है. तो जो चांसलर आ ईवन प्राइम मिनिस्टर जोड़े ने मिनिस्टर्स ने वो दो ही एक दूसरे तो बहुत ज़्यादा टीस करते हैं. जोड़ा कॉटियर्स आ सॉरी एक कॉटियर्स भी है तो वो काफ़ी सिंपल परसनस ने ते टू लेडीज़ ने जड़िया कि उत्थे कम कर दियां ने उस कोर्ट के तो ये सारे जने उत्थे बैठे हुए हैं. वो एक जी लेडी आ काफ़ी टॉल आते स्लिम आते एक जी दूसरी लेडी आ की आ शॉर्ट आते काफ़ी फैट आ तो जेड़े वो जे मिनिस्टर्स आते चांसलर आ वो दो ही जने की ने दो ही जने एक दूसरे नाल जैलसी फील करते हो चाहते भी एक कहना मैं ज़्यादा इंटैलीजेंट एक कहना मैं ज़्यादा इंटैलीजेंट आ बट जी उन्होंने आपस के टॉकिंग्स चल रही होंगे या गल्लां चल रही होंगे वो इदा लगती होंगे जिमें कोई मैड परसनस या फूल जो परसन होंगे वो गल्लां करते होंगे. ईवन वोदियाँ दो जड़ियाँ लेडीज़ जी जिन्हों की आप पिक्चर देखी से होनी उन्होंने रोकदियाँ भी नहीं तो उन्होंने कह दें भी तुम क्यों इदा करते हो बट वो एक दूसरे वाल इग्नोर कर देंगे उन्होंने देख के की हुंदा वा जदों वह जो गल कर रहे होंगे किंग दे आउण दा टाइम हुंदा तां वो जो बाहर निकल के देखते तो की हुंदा वा एक फाइट चल रही होंदी लड़ाई चल रही होंदी है तो उत्थे काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा क्राउड आ क्रिएट होया हुंदा वा तो एक परसन जिहड़ा हुंदा जिहदे कि ब्लैक हैट लई हुंदी आ ते ओवरकोट पाया हुंदा वा उन्हां नूं भजा रहा हुंदा वा ते विचाले एक डॉग रख्या हुंदा उन्हां नूं कुछ नहीं पता हुंदा तो उदों की हुंदा वा जिहड़ा किंग आ वो एंटर करता वा अपने कोर्ट दे विच ब्लैक कलर दा जिहड़ा दिखाया गया वा जिहड़ा ब्लैक कलर दा वा एक किंग आ जिन्हें कि सिंपल जे कपड़े जिहड़े ने वेयर किए हुए ने तो उन्होंने आते हैं तो सारे जिन्हें भी कोर्ट के जिन्हें भी परसन ने सारे उन्होंने देख के हैरान रह जाते हैं भी वो किदा देखो कि सिंपल आते काफ़ी स्टूपिड आ भी किंग होने के बावजूद भी उन्होंने की आते क्लोथ्स जोड़े होने चाहिए काफ़ी प्रीशियस स्टोनस लगे होने चाहिए आते काफ़ी हाईफाई जी ड्रैस होनी चाहिए आ बट वो की है सिंपल ड्रैस उन्होंने देख के हैरान रह जाते वो सोचते हैं भी किंग कि स्टूपिड आ सारे अपने मन के सोचते हैं तो किंग जिहड़ा हुंदा वा वो अपने पिछे जिहड़ा वा एक डॉग नूं भी लैके आउंदा वा एक परसन नूं कह के भी मैनूं डॉग उत्थे तक कैरी करवाओ तो वह बंदा जिहड़ा वा डॉग अंदर लैके आउंदा वा. किंग जदों उहनूं सारे लोग उहनूं बड़े हैरानी दे नाल देखदे आ तां वह देखदे आ ते वह किंग नूं कहिंदे आ वी सर तुसीं किदां दी ड्रैस वेयर कीती आ कोई भी नहीं बोलता वैसे तां वह की देखदे आ वी जिहड़ा किंग आ वह लैम्पड आ लैम्पड दा मतलब भी लंगड़ा के तुर रहा लंग मार के जिहड़ा वा तुर रहा वा तो जिहड़ा कॉटियर्स के मिनिस्टर्स हुंदे आ उन्हूं देखदे आ तो वह देखदे आ भी किन्ना सिली आ भी किन्ना वह ने भी एक तो ऑकवर्ड जी ड्रैस पाई है दूजा है कि लंगड़ा के तुरदा वा तो वह जिहड़े दो ही परसन ने वह की ने वह भी लंगड़ाउणा शुरू कर देंदे आ तो वह किंग तो पुछदे आ भी तुसीं इह ब्लैक हैट क्यों वीयर कीती है काले रंग की टोपी क्यों ली है. ईवन जिहड़े किंग हुंदे आ वह तो की हुंदे आ क्राउन वीयर करदे आ तुसीं क्यों नहीं क्राउन वीयर कीता तां किंग पहलां तां जिहड़ा लंगड़ाउंदा हुंदा तां उहनूं देख के जिहड़ियां दो लेडीज़ हुंदियां ने ईवन उहदा जिहड़ा चांसलर हुंदा ते प्राइम मिनिस्टर हुंदा वह भी दो ही जने की करन आ जांदे आ लैंप हो जांदे आ कि वह भी लंगड़ाउण लग जांदे आ जो उन्हां तों रीज़न पुछदा एक बंदा उन्हां नूं कहिंदा वी सर मेरे तां सट लगी हुई है दूसरा कहिंदा मैजिस्ट्री भी मेरे की आ गठिया होया वा ते जिहड़ी लेडीज़ ने वह दो एक लेडी जिहड़ी आ वह दसदी आ कहिंदी मैनूं की आ मेरे सट लगी हुई है भी तां करके मैं लंगड़ा के तुर रही हाँ तां किंग उन्हां दोहां नूं ऑब्जर्व करदा ते उस तों बाद एक चीज़ देखदा भी उत्थे एक लेडी आ भी जिहड़ी की आ वह बिल्कुल लंगड़ा नहीं रही वह तों पुछदा वह कहिंदी नहीं जी मैं फिट एंड फाइन हाँ तो जिहड़ा किंग हुंदा वा वह बैठ जाता वा कहिंदा भी वह तो जो पूछा जाता भी तुसीं हैट क्यों वेयर की है तो वह दसदा भी जिहड़ी बाहर की है बहुत ज़्यादा धुप पै रही है भी एक क्राउन दे नाल किहड़ा धुप रुक जूगी कहिंदा मैं तां हैट ली हुई है भी तां जो की है भी मैनूं धुप तो बच सकां. तो जिहड़ा मिनिस्टर हुंदे आ
एंड जो चांसलर होंगे दो ही जने सोचते हैं भी देखो भी किंग ने भी तो कैपियर किए तो सानू भी वो की है कैपियर करनी पेगी वो तो कैप मंगाते अपने दरबारी तो कहते हाँ जी हाँ असल दे विच बहुत ज़्यादा की है धुप बहुत ज़्यादा वा भी मैं भी हैड की जरूरत पैगी तो वह भी ब्लैक जी हैड्स ने मंगाते हैं तो वह देखते हैं तो किंग जरा वा उन्होंने देखता वा तो अपने मन मन ही मुस्करा रहा तो जोड़े चांसलर के प्राइम मिनिस्टर ने दो ही जने हैडबियर कर लेंगे तो हूँ जोड़ा किंग आ उन्होंने कहना भी तुम जस्ट एक मूमेंट दे लुको तो वह कहें भी तुम सर बाहर की करते हो दसते भी आ इतने ना दो परसन हो फिर दो परसन बुला जिन्हें कि ऑपरेशंस के यानी कि उन्होंने चेन के एक जगड़िया हों तो उन्होंने कहना जी दो बंदे आए कहना जी दो बंदे जोड़े ने स्ट्रीट के लड़ाई कर रहे थे ता करके मैं लेट हो गया तो दूजा की आ मैं उन्हों का सॉर्ट आउट करवाना चाहता सी बट वो सॉर्ट आउट नहीं होया तो ही मैं जोड़ा कुत्ता वा वो लाया तो जोड़े मिनिस्टर्स ने वो कहें भी देखो एक तो यह किंग ने स्टूपिड जहा काम किया ड्रैस नहीं वधिया बियर की उपरों इन्हें काउंट नहीं लिया तो दूजा की हूँ कॉमन मैन लिया कोर्ट के उन्होंने कहें जी पहली तो सर इदा वा भी तुम कॉमन परसन भी कोर्ट के लाया कि वी भी इदा का किसी भी किंग ने नहीं किया तो पहला वाले ने तो राजा कहना जोड़ा किंग हों कहना नहीं इट्स नो डाउट आई विल वॉन्ट टू बी आ दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग सो आई विल वॉन्ट टू बी आ कम विद मी कहना मैं ये दो ही जने की ने भी इंसान ने मैं ता करके इन्हों अंदर बुला लिया कहना ये कोई बड़ा टास्क नहीं है कहना इदा दो जड़ा यदि प्रॉब्लम आ भी है जो मैं कुत्ता लैके आया एक डॉग के उत्ते अपना ओनरशिप दस दिया दो ही जने कहना भी ये कुत्ता मेरा वा एक जो फस्ट परसन वो कहना भी जोड़ा ये कुत्ता वा वो लैके आया वा कितों लैके आया वा दसदा वा भी पहला जोड़ा बंदा वा दसदा भी जोड़ा कुत्ता सीगा उन्हें रख्या होया सीगा एक छोटा जिहा कुत्ता वा ठीक है जी तो वह कहें भी ये जोड़ा कुत्ता सीगा पहला गुआढ़ी कहता जी मैं तीन महीने पहला कितों लैके आया सू मैं कितने मिलया से मैं इनू घर ले आया इन्हू खिलाया पिलाया तो एड्डा व्डा किया तो दूजा जोड़ा गुआढ़ी वो कहता जी पहला जोड़ा मेरा नेबर आ कहना बहुत ज़्यादा झूठा बंदा वा वो हमेशा झूठ ही बोलता रहा कहता यह डॉग तो सगो मैं कितने अपने ब्रदर तो लैके आया तो जोड़ा किंग हों उन्हें लगता भी चलो मैं हूँ इनू आस्क करा भी किंग कि वा फिर उन्होंने कहना भी कहना ए करो कि तुम अपना ब्रदर बुला के लेके आओ भी कि वा तो ब्रदर फिर आप ब्रदर तो ही पुछ लें तो उन्होंने पुछते हैं वो कहना जी मेरा ब्रदर जोड़ा वा वो डैथ हो चुकी है कहना हूँ तो मैं लैके नहीं आ सकता हूँ जोड़ा किंग फिर उन्होंने फिर दोबारा मुश्किलों के छिड़ जाता वा तो हूँ सोचता भी हम की किया जाए वो उन्हों तो चांसलर तो प्राइम मिनिस्टर तो पुछता भी आपको की करना चाहिए वा भी इन किस तरीके इन्हें झगड़ा जोड़ा वा सुझाया जाए तो वो एक जड़ा परसन हों कॉटियर हों जी ए करो एक नीचो एक जो कॉटियर हों बोलता वा दरबारी बोलता कहना सर ए करो भी जोड़ा डॉग आज अपने को रख लो जेकर डॉग ही नहीं इन्हें मिलेगा तो इन्हें लड़ाई नहीं होनी तो जोड़ा किंग हों कहना भी देखो मैनू ना डॉग नहीं पसंद है जेकर कैट होंगी तो मैं रख लेंदा क्योंकि मैं कैट ज़्यादा पसंद आ तो उन्होंने एक जी वर्कर होंगी यानी कि वो लेडी होंगी तो वो बोलती है वो कहनी ए करो जी कुत्ते की करो दो हिस्सों के बन लो भी वो टू पार्ट्स कर लो दो पार्ट्स करके दोहां नूं एक एक दे दो तां सानूं भी जिन्हें इन्हां नूं कुत्ता चाहिए उन्हां नूं मिल जूगा तो जिहड़ा राजा हुंदा वा वह सोचता भी हुण किड्डी वड्डी इहने मूर्खता वाली गल की है वैसे सारे बंदे उस चीज़ नाल सहमत हुंदे आ तां किंग कहिंदा नहीं जी भी मैं इदां नहीं करना चाहुंदा ते जदी जिहड़ा एक फस्ट जिहड़ा नेबर हुंदा वा वह बोलदा कहिंदा देखो सर भी की करो भी मैनू कुत्ते नूं ना मारो प्लीज़ कहिंदा जी चाहे मेरा डॉग की आ इह बंदे नूं दे दो भी क्योंकि मैं ये डॉग मरता होया नहीं देख सकता तो तुसी प्लीज़ ये दो पार्ट्स ना कराओ ये डॉग इनू दे दो ते मैं ये तो बिना भी सार लूँगा जिहड़ा किंग हुंदा वो जदी समझ जाता भी जिहड़ा डॉग आ ये किहदा वा ये डॉग उस परसन दा ही है फस्ट नेबर दा क्योंकि वह अपनी चीज़ नूं इदां नहीं मारना चाहुंदा तो वह चीज़ देख के जिहड़ा किंग हुंदा वो समझ जाता भी राइट परसन कौन आ तो वह कहिंदा भी ए करो भी ये जिहड़ा सैकेंड नेबर आ इहनूं चक के ऑपरेशन दे विच पाओ तो जिहड़ा डॉग आ वो फस्ट परसन नूं दे दो इस तरीके नाल जिहड़ी सल्यूशन उस चीज़ का कर लैंदा तो हुण अचानक ही की हुंदा वा जिहड़ा किंग हुंदा वा उठ के सही तरीके नाल चलण लग जांदा तो अपना ओवरकोट जिहड़ा लगाउंदा वा तो उहदे जिहड़े लग्जरी जिहड़े क्लोथ्स ने वो बाहर आ जाते हैं वो देखने के की आ हूँ बिल्कुल किंग के तरीके लग रहा वा भी जिमें की आ एक किंग बीयर किया हों किंग क्लोथ्स होंगे उस तरीके के लग रहे हैं तो अपनी हैट भी लगा दिता तो हूँ वो दसदा कहना जी हूँ इदा करो
ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਦੇਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਲਥੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੀਫ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਵੀ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੇਡੀ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੋਟੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟੋਰੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੀਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵਾਸ ਟੂ ਦੀਆ ਕੋਟੀਅਰਸ ਐਨੈਕਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਸੀਗੇ। ਉਤਸੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੈਕਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਤਸੁਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਦੀਆ ਐਨੈਕਸ਼ੀਅਸ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀਆ ਨਿਊ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੀਆ ਕਿੰਗ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਕਿੰਗ ਵਾਸ ਦੀਆ ਐਂਟਰਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਅਰਿੰਗ ਟੂ ਦੀਆ ਬਲੋਰਰ ਹੈਟਸ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਕਸ ਵਿਦ ਦੀ ਆ ਬਿਗ ਲੈਮ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੂ ਡਿਡ ਦੀ ਆ ਕਿੰਗ ਬ੍ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬਾਊਟ ਵਿਦ ਦੀ ਆ ਟੂ ਮੈਨ, ਦੀ ਆ ਟੂ ਮੈਨ ਵਰ ਨੇਬਰ, ਦੇ ਵਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਆ ਸਟਰੀਟ ਓਵਰ ਦੀ ਆ ਡੋਗ, ਈਚ ਕਲੇਮ ਟੂ ਦੀ ਆ ਡੋਗਸ ਓਨਰ, ਦੇ ਆ ਕਿੰਗ ਬਾਊਟ ਦੈਮ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦੇਅਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਦੋ ਹੀ ਓਨਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾਈ ਵਰ ਦੀ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨਸ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਦੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਓਵਰ ਆ ਡੋਗ, ਈਚ ਕਲੇਮ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਆਰ ਡੋਗਸ ਰੀਅਲ ਓਨਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਆਰ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਡ ਦੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਕ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰ ਲਿੰਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਕਿਉਂ ਛੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੇ ਸਾ ਦੀ ਆ ਕਿੰਗਸ ਹੈਡ ਆ ਲੈਂਪ ਇਨ ਦੀ ਆ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿੰਗ, ਦੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡਡ ਦੈਟ ਦੇ ਟੂ ਹੈਡ ਆ ਲੈਂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਹੀ ਜਣੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੂ ਐਲਸ ਡਿਡ ਨੋਟ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੀ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਆਰ ਟੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਡਿਡ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਆ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਡ ਐਂਕਲ, ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਵਾਕ ਲਾਈਕ ਆ ਕਿੰਗ ਹੂ ਹੈਡ ਐ ਲੈਂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਕੇ। ਸ਼ੀ ਥੋਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਰਸ ਦੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
सैवंथ क्वेश्चन है हाउ डिड दी अ किंग रिटर्न सी अ डॉग टू दी अ राइट ऑनर, भी जिहड़ा किंग सीगा उन्हें किस तरीके नाल जिहड़ा सही मालिक सी कुत्ते दा उन्हों कुत्ता वापस किया। आंसर है इट वॉज दी अ सुजैसटड दैट दी अ किंग शुड डॉग शुड बी अ डिवाइडेड इन टू टू दी अ टू नेबर कुड दैन दैन हाफ हैव अ हाफ ईच, भी जिहड़ा उन्हां विच एक बंदे ने सुजैसट किया भी जिहड़ा कुत्ता है वह दो हिस्से किए जाने ते दो ही नेबर नूं इक्वल हिस्सों नूं उन्हां दे दित्ता जाए। दी अ फस्ट नेबर एग्रीड ऑन इट एट दी अ वंस, भी जिहड़ा एक बंदा सीगा जिहड़ा पहला नेबर सी उस चीज़ उत्ते एग्री हो गया, बट दी अ सैकेंड वन इज सैड इट इज़ दी अ गुड लिटल बॉय लिटल डॉग, उन्हां विच एक बंदे ने कहा सैकेंड वाले नेबर ने कहा भी यह कुत्ता की है बहुत छोटा वा ते काफ़ी वधिया वा, आई कैनॉट सी इट हार्म, भी मैं नहीं देख सकता भी इन्हें कोई नुकसान पहुँचावे, लेट हिम हैव दी अ डॉग, कह रहे भी यह जो कुत्ता वा उन्होंने दे दिता जाए। दस दी अ किंग सा दैट दी अ सैकेंड नेबर वॉज दी अ रियल ऑनर ऑफ दी अ डॉग, ही गिव दी अ गिव टू दिस मैन एंड सेंड दी अदर टू दी अ वन टू दी अ प्रीशियन, कहने भी जोड़ा किंग सीगा उन्होंने जदि पता लग गया भी जो दूजा गवांढी आदा ही सही ऑनर आ तो उन्हें वह डॉग उन्होंने दिता तो वह जो दूजा बंदा से उन्हें चक के जेल के पा दिता। एट्थ क्वेश्चन आ वाई डिड दी अ किंग सेंड दी अ फस्ट नेबर टू द प्रीशियन, भी किंग जिहड़ा सीगा उन्हें पहले नेबर नूं उस जेल दे विच क्यों पाया। आंसर है दी फस्ट नेबर हैड टोल्ड दी अ लाई, ही हैड ऑलसो शोन हाउ दी अ क्रूअल ही वॉज, सो दी अ किंग सेंड दी अ प्रीशियन, भी जिहड़ा पहला नेबर सीगा उन्हें की है झूठ बोलिया तो उन्हें यह चीज़ भी दिखाई भी वह किन्ना निर्दयी आ, ता करके राजे ने उन्हें की आ चक के जेल दे विच पाउण दा आदेश दे दिता। नाइन्थ क्वेश्चन हाउ वॉज दी अ फस्ट लेडी रिवॉर्डड, भी जी पहली लेडी से उन्होंने की रिवॉर्ड दिता गया, शी वॉज मेड अ चीफ लेडी इन अ वेट, भी जी औरत सी उन्होंने की आ एक दर मुख दरबारी जी बना दिती गई सी कि दरबार की यानी कि वह कोर्ट की। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैशन इज वेयर वॉज दी अ कॉटियर्स अमेज्ड एट टू दी अ किंग्स बिहेवियर, किहड़े जिहड़े दरबारी सीगे वो अपने व्यवहार के नाल किवें हैरान रह गए जिहड़ा राजे ने उन्हां नाल कीता। दी अ कॉटियर हैड टू बी अ थॉट दी अ किंग टू बी अ कोबलिश फूल, दे वर टू दी अ अमेज्ड वैन दी ही सा हाउ वाइज दी अ किंग वॉज, कहते भी जिहड़े कॉटियर सीगे वो सोचते सीगे भी जिहड़ा साडा जिहड़ा किंग आ वो एक पागल आ ते एक मूर्ख जिहा वा, बट वो उदों हैरान रह गए भी जदों उन्हां नूं इह देखण नूं मिलिया भी जिहड़ा किंग आ वो किन्ना ज़्यादा वाइज आ यानी कि बुद्धिमान आ ते वो किस तरीके नाल सारीआं चीज़ां टैकल करदा। ये सी स्टोरी, आई होप तुहानू पसंद आई होगी जिदे विच सानू कई चीज़ां सीखण मिली भी हमेशा की आ लाइफ दे विच उही परसन अगे वध सकदा वा जिहड़ा की आ अपनी जिहड़ियां अबिलिटीज़ ने जां अपनियां इच्छावां ने उन्हां नूं सही ढंग दे नाल चले, किसी की फॉल प्रेज़ दे विच ना आवे ते अपनी जिंदगी नूं सही ढंग नाल जीउण दी कोशिश करे। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा, जेकर सैशन पसंद आया तो लाइक करना ना भुलो ते वध तों वध मेरे चैनल नाल जुड़ो जस्ट टू इट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ते न्यू वीडियोज़ अपडेशन दे लई मेरे बैल आइकन नूं जरूर दबाओ। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई सैशन।